हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को हीमोक्रोमेटोसिस की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे। हीमोक्रोमेटोसिस क्या है और इसे किस तरीके से अपीयर हो जाते हैं। हीम मतलब होता है ब्लड, मींस आयरन। हीमोक्रोमेटोसिस मींस होता है टू मच आयरन इन बॉडी, मतलब आयरन का कंटेंट ज़्यादा हो जाना ब्लड में, जिसके कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं ब्लड में, बॉडी में। ये किन कारण से होते हैं? कॉजेज ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस, मेन कॉज है हेरिडिटी कंडीशंस होती हैं। हेरिडिटी की वजह से ये कंप्लेंट्स क्रिएट होती हैं। जो एक्सेसिव आयरन कैन पॉइजन ऑर्गन सच एज कैंसर्स, इरेगुलर हार्ट बीट, सिरोसिस ऑफ लीवर। हेरिडिटी की कारण अगर जिनको आयरन डिपॉजिट होते हैं ब्लड में, ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, तो उनको ये कंप्लेंट्स अपीयर हो जाती हैं। कैंसर भी अपीयर हो सकते हैं, हार्ट कंप्लेंट्स भी आ सकती है, उस लीवर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सिरोसिस से हेपेटाइटिस की भी कंप्लेन अपीयर हो जाती है। इनके साइनिंग सिम्टम्स क्या होते हैं हीमोक्रोमेटोसिस के? सब पहला है डायबिटिक मेलाइटिस, मे भी अगर हेरिडिटी कंडीशन है और आयरन है तो डायबिटिक कंप्लेन अपीयर हो जाती है। डार्कनिंग ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन स्किन का हो जाता है। एबनॉर्मल ऑफ हार्ट रेट, अर्थराइटिस, पेन इन एबडोमेन, स्टमक एक, फैटिग्यू, रिड्यूस्ड हार्मोन इम्बैलेंस एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल एंड हेपेटाइटिस, ऐसे साइनिंग सिम्टम्स रहते हैं। ये तो डायग्नोसिस है, ये एक तरीके की ये मेडिकल कंडीशंस हैं साइनिंग सिम्टम्स में। अगर डायबिटिक है तो भी आपको ही में आयरन डिपॉजिट है, साथ में डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट भी हैं, आर्थराइटिस कंप्लेन भी है, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये इस वीडियो में जो मैं मेडिसिन आपको हीमेटोक्रोमेटोसिस की होम्योपैथिक बता रही हूँ, ये एक कॉमन मेडिसिन है क्योंकि रिजल्ट भी बहुत अच्छा देती है। बट जैसे कि मैंने अपने सभी वीडियो में इसमें मैं बताती हूँ कि अगर आपको अदर कॉम्प्लिकेशंस है तो आपको होम्योपैथिक कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सके। क्योंकि होम्योपैथी में इंबलाइजेशन एंड केस टेकिंग डिपेंडिंग ट्रीटमेंट होते हैं। ये मेडिसिन से कॉमन है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिर्फ आयरन डिपॉजिट हो रहा है, स्किन डार्कनिंग है, हेयर फॉल है, इंडाइजेशन कंप्लेन है, जॉइंट्स पेन है, तो इस बिहाफ पे आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम, 200 टू टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग 4 पिल्स एम्प्टी स्टमक एंड नाइट 4 पिल्स आफ्टर फूड बिफोर गोइंग टू बेड। सेकेंड मेडिसिन है एसिटिक एसिड, 200 टू टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक यूज़ कर सकते हैं। एसिटिक एसिड आप कब यूज़ करेंगे? जब आपको आयरन डिपॉजिट भी है और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो रहा है, डायबिटिक कंप्लेन है, हार्मोन प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, तो आप एसिटिक एसिड ऑल वीकनेस की पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। 4 पिल्स मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड 4 पिल्स नाइट आफ्टर फूड, ये दो मेडिसिन हैं। इन दो मेडिसिन में कोई एक मेडिसिन आपको यूज़ करनी है, और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको डाइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। पिकल्स टोटली अवॉइड करना है, पिकल्स आपको नहीं यूज़ करने हैं। हीमेटोक्रोमेटोसिस से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।